नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल जी से। बहुत स्वागत है लखन जी आपका अनादि टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में गाय को ऐसी कामधेनु माना जाता है जो वोट भी दिलाती है और सत्ता भी दिलाती है, लेकिन उस कामधेनु के हिस्से में ना चारा आता है, ना छाए आती है और ना उसकी कोई चिंता करता है। मध्य प्रदेश में इस बार क्या कुछ नया करने जा रही सरकार उनके लिए, या केवल सब कागज पर ही चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल कागज पर नहीं चलेगा, धरातल पर चलेगा। और मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जमीन से आया हूँ यहाँ तक, तो मैं हर चीज को बहुत बारीकी से जानता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो ये किया, जैसे आपने कहा ना, गाय को चारा या वो जो भी आपने कहा, सबसे पहला फैसला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि 20 रुपए जो हम गाय को देते हैं, हम उसको 40 कर दिया रोजाना प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक या और भी कई गौशाला जो चला रहे हैं लोग, उनसे बात हुई, उनका है ना पर्याप्त, मतलब एट पार है, मतलब उससे काम चल जाएगा। और मुझे लगता है कि जब तो पहले 2 रुपए मिलता था, कभी 2 रुपए मिलता था टोटल, 20 हुआ अब 40 हो गया। आज आपको बताते हुए मुझे महंगाई का जमाना, गाय तो कुछ कहेगी नहीं बेचारी। हाँ, नहीं गया, तो आप चिंता वो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो अभी राशि बढ़ाई है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, कहीं नहीं है इतना 40 रुपए, कहीं किसी भी प्रदेश में नहीं देते, सिर्फ मध्य प्रदेश दे रहा। ये हमारे लिए संतोष की बात है। दूसरी बात जो हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है, या हम लोग को सबसे बड़ा चैलेंज है जी, वो ये है कि जो गौ माता बेसहारा सड़क पर है, उसका इंतजाम कैसे हो। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग बात चल रही है, क्योंकि अभी शुरुआत है। हम अगर ये कहें नहीं साहब हम तो इसी बरसात में बंद कर देंगे, तो ये गलत बात होगी। हमारी समीक्षा बैठक हुई जी, उसमें निर्देशित किया है कि 6 जिले हम लोगों ने पायलट में लिए हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिले लिए हैं। उन जिलों में जितने भी हाईवेज हैं, उन पर गौ माता नहीं दिखेगी। उसको हम लोगों ने प्लान ये किया है कि गांव में पहले मिनादी करा देंगे। अभी हम सर्वे करा रहे हैं कि हमारे ऐसे कितने गांव हैं जहां पे ये समस्या, जहां पर ये जो नहीं सिर्फ 6 जिलों में हाईवे, हाँ मतलब हाँ, जो आपने चुनिंदा हाँ, 6 जिले तय किए, कितनी हमारी लगभग गाय गांव हैं और कितने हर गांव में कितनी गाय हैं, तो उसको हिसाब इसलिए लगा रहे हैं कि हम जिन गौशालाओं में उनको भेजेंगे उनकी कितनी कैपेसिटी क्षमता है, उनकी क्षमता कितनी है। एक तो ये उसमें सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि हम जितनी गाय सड़क पर देखते हैं वो एक्चुअली पूरी गौ मतलब बेसहारा नहीं है। उसमें से 60-65% गाय पशुपालकों की है, जिनने आजकल एक प्रैक्टिस बना ली है कि दूध लगाया और छोड़ दो। शाम को फिर वो गौ तो माँ है, वो फिर शाम को आ जाती है कि फिर अब लगा लो, मैं फिर चली जाऊँगी। और यही होता है कि पशुपालक दूध धो के फिर छोड़ देते हैं। तो 60-65% तो वो हैं सड़क पर जो दिख रही हैं। आप देखिएगा कि जब हम लोग उठाना शुरू करेंगे अभी 10 दिन बाद देखते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में भी ये कहा गया था कि भोपाल और तमाम सारे शहर उनको कैटल फ्री कर देंगे, लेकिन अब देख रहे हैं कि कैटल फ्री होकर घूम रही है सड़क में, इससे एक्सीडेंट भी हो रही है, उनकी जान भी खतरे में आ रही है और आम लोगों की जान बिल्कुल भी। बिल्कुल तो आ रही है। जो लोग अपनी गाय छोड़ देते हैं इस तरह से, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन का कुछ प्लानिंग? बहुत जल्दी आपको एक नया कानून दिखेगा, बहुत जल्दी इस विधानसभा में आपको दिखेगा जी। उसका पहले से कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट है वो इस विधानसभा में, लेकिन एक मोटा मोटा कुछ नया परिवर्तन दिखेगा, बड़ा परिवर्तन दिखेगा, जिससे जो गाय के साथ क्रूरता करेगा, अन्याय करेगा, उसको करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, आदमी डरेगा उससे। एक गो तस्करी बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में, अभी हालांकि अभियान चलाया है गोवंश के लिए बचाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा इतने सारे राज्यों से मिलती है, सेंटर में है तो सारे राज्यों से, उसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? क्योंकि आमतौर पर होता है कि आरोप ये लगने लगते हैं कि कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका काम ये है कि वो गाड़ियों को ऐसे रोकते हैं, पैसा लेते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे आरोप जिला प्रशासन और पुलिस पे भी लगते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो गौ सेवक हमारे हैं, नहीं सबका नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत लोगों पर ऐसे आरोप लगते हैं। देखिए, अपवाद तो हर जगह है दुनिया में, अपवाद तो हर जगह है, और अपवाद के बिना कोई चल नहीं सकता, तो वो तो होता रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे गौ सेवक हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, या कुछ पार्टी के लोग हों, या फिर जो बिल्कुल टोटली गौ सेवा का काम कर रहा है, ऐसा कोई नहीं चाहता कि गौ माँ परेशान हो।
भाई उसको हम जबरदस्ती किसी को उतार के और करेंगे तो ठीक बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर तस्करी हो रही तो उसमें सख्त कर रहा है, उसके लिए इतना मैंने जो कहा ना आपसे, इतने कड़े कानून बना रहे हैं। अभी आपने देखा सिवनी का मामला हुआ, बिल्कुल सिवनी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना एक्शन लिया। अभी पिछले 2 महीने 2.5 महीने से 575 केस दर्ज हुए हैं, जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उसमें और कड़ाई ला रहे हैं, जिससे कि लोग करने से पहले 100 बार सोचें। आप देखें, आपने पढ़ा भी होगा और आपको जानकारी भी होगी, टीवी पर भी देखा होगा कि रासुका लगाया कितने लोग, बिल्कुल करीब 30 कलेक्टर एसपी को हटा दिया सख्त। मतलब कुल मिला के आपसे ये कहें कि कोई इसमें ढीला हीला हवाली नहीं की जाएगी, ये आपको विश्वास दिला सकते हैं। तो आपको नहीं लगता ये जो सिवनी जैसी घटना है कि ये साधारण गोकसी के मामले हैं या सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने का भी एक प्रयास है? क्योंकि जो मुख्यमंत्री पहले से उन्होंने निर्देश देते हैं कि लाउड स्पीकर हटाए जाए, खुले में मास्क नहीं बिके, वसुबद्ध पे रोक लगाई जाए, अवैध जो गोवंश है उस पर रोक लगाई जाए, इन सारी कड़ियों में अगर इसको जोड़ते हुए देखें तो एक बड़ा, ऐसा नहीं लगता एक बड़ा षड्यंत्र है कि जो मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता है उसको स्वाद बिगाड़ने का, उस पर भी दोनों नजरिए से देखना पड़ेगा कि गोवंश की रक्षा के हिसाब से भी और सांप्रदायिक स्वार्थ के हिसाब से। आपने अभी देखा होगा कल या परसों में एक कमेटी एडीजी लेवल के अधिकारी के बीच उसमें एक जाँच कमेटी बनाई है, पवन श्रीवास्तव उसके मुखिया, पवन जी उसके मुखिया है, वो इसलिए बनाई कि उससे सारे तथ्य सामने आए। जैसे जो आपका शंका है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की शंका हो कि हो सकता है कि सौहार्द बिगाड़ने के लिए जानबूझ के किया हो, और या ऐसी क्योंकि आमतौर पर होता है इक्का दुक्का तो हम समझ सकते हैं कि किसी ने कर दिया हो घर में, अभी एक दो केस और आए हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या है, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो इसीलिए उस ऐसी कमेटी बनाएगी कि जो एक एक बिंदु पर विचार करेगी और एक एक बिंदु की जाँच करके वो सही रिपोर्ट देगी कि वस्तु स्थिति क्या है, और जो उसके तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके इस विभाग को माना जाता है कि सूखा विभाग कहा जाता है इसको, एक तरह से सामान्य भाषा में जो कहते हैं, तब इसके लिए आप जो नवाचार कर रहे हैं उसके साथ क्या और आपकी प्लानिंग है मध्य प्रदेश को लेकर? आपको मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आने वाले कुछ दिनों में आपको ये विभाग सबसे ज्यादा दिखेगा देख ही रहे नहीं, दिखे और दिखेगा। अभी तो जैसे आज तक कभी किसी ने पहले कभी कोई संगोष्ठी नहीं की, सबसे पहले मैंने संगोष्ठी, आपने बड़ी संगोष्ठी की, दूसरी बार की, सबसे पहले मैंने मध्य प्रदेश के लोगों को बुलाया था कि आप अपने सुझाव दीजिए क्या हम गाय के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो जो गौशाला वाले थे या जो संत महात्मा हैं वो, या जो इसमें दयोदय जो गौशालाएं चलाते हैं वो लोग, ऐसे सारे लोग आए थे। चारे की राशि तो मध्य प्रदेश में बढ़ा दी, लेकिन कई सारे गौशाला उन पर आरोप लगते हैं कि वो गायों की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, बड़ी संख्या में खबरें आती हैं कि गोधन उनकी मौत हो जाती है, खुले में उनको फेंक दिया जाता है। तो ऐसे जो संचालक लोग हैं जो सरकार से अनुदान ले रहे हैं, बाकी लोगों से अनुदान ले रहे हैं, गाय की चिंता नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ नकेल कसी की सरकार? अभी हम लोगों ने इसके लिए आपको बता दें कि एक आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार का भी हम लोग एक सरकार करती है, उसमें अच्छी गौशाला चलाने वाले को जो सबसे अच्छी चलाती है, इनके पशु अच्छे हैं, इनकी सुविधाएँ अच्छी हैं, इनका काम अच्छा हो रहा है, उसको हम 5 लाख रुपए का पहला पुरस्कार देते हैं, दूसरा पुरस्कार 3 लाख रुपए का, और उससे तीसरे नंबर का पुरस्कार जो 2 लाख रुपए। नहीं, मैं तो दंड का पूछ रहा हूँ, पुरस्कार तो आप दे रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को कंपटीशन की भावना पैदा कर रहे हैं, वो भी मैं उस बिंदु पे भी आऊंगा जी। तो लेकिन ये भी बताना आवश्यक है कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं, और 4 ऐसे 50-50 हजार के सांत्वना पुरस्कार भी देते हैं हम लोगों को। अब आपने जो सवाल किया कि ऐसे लोग जो है उनको क्या दंड देंगे, तो देखिए जैसे हम लोग पास जानकारी आती है, अभी हालांकि ऐसी कोई बहुत आई नहीं, कहीं से उड़ती जैसे आपने बात कही ऐसी बात आ भी जाती है, हम लोग दिखवाते भी हैं, और अब इस पे और गंभीरता, जैसे आगर के पास जो सबसे बड़ी गौशाला वहां से ऐसे कई दृश्य आए, नहीं और भी आगर की गौशाला तो मैं आपको कहूंगा, आमंत्रित करूंगा कि आप चलिए वहां देखिए। नहीं, मैंने देखा इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। वहां पर पहले जो पहले आपको मालूम है बदल गई वो, हाँ बदल गई ना, वो पहले सरकार चलाती थी, और आप समझ सकते हैं इस बात को, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि देखिए हमारा जब तक भाव नहीं जुड़ा, गौ सेवा का काम या गौशाला चलाना है या गौ सेवा का काम, ये सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता, ये भावना से जुड़ा हुआ काम है। जब सरकार चलाती थी तो लोग पोस्ट करती थी, पदस्थ करती थी, तो पदस्थ होने वाला आदमी तो पदस्थ ही है, वो जितना कर पा रहा कर रहा, नहीं कर रहा नहीं कर रहा, गाय तो चिल्लाएगी नहीं, गाय तो बोलेगी नहीं, तो वहाँ जो लोग हैं तो पैसा गड़बड़ होता था, और उनकी जो रिपोर्टिंग बराबर आ रही थी, हालांकि मेरे पहले तत्कालीन जो मंत्री थे उनके समय की बात है ये, उसके बाद वहाँ पर ये जब तय हुआ कि भाई ये यहाँ ठीक व्यवस्थित नहीं हो रहा, तो ये तय हुआ कि किसी
ऐसी एनजीओ या ऐसे किसी संत महात्माओं को देखा जाए जो इसको अच्छे से चला सके। तो पथमेड़ा एक जगह है राजस्थान जी, उनके पास लगभग लगभग ऐसा मेरी जानकारी है जो करीब 1.5 लाख गाय है, अलग 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 जगह 1.5 लाख गायों के वो संधारण कर रहे, मतलब रख रखाव और उनको सब व्यवस्था दे रहे। तो उनको जब बुलाया तो उनको दी है वो। अभी आपको मैं बताऊं कि मेरे पास रोज वीडियो आता है एक वहां से, जिस दिन से हमने गौ वंश रक्षा वर्ष शुरू किया है चैत्र नई पदा प्रतिपदा से, उस दिन से लेकर रोज वहाँ भागवत हो रही है प्रतिदिन। और मैं जिस जैसा मुझे वीडियो में दिखता है कि कम से कम वहाँ 800,000 लोग उसमें दिखते हैं बैठे हुए, रोज फोटो आता है वीडियो आता है। और जो वहाँ गोपालन जी जो मुख्य हैं वहाँ के देखने वाले, वो रोज कथा करते हैं 2 घंटे की। मध्य प्रदेश में गाय को कई अब अच्छी नस्लें हैं जिनके संवर्धन संरक्षण की जरूरत है, इस दिशा में विभाग कुछ कर रहा है? अब देखिए अभी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और इसमें हमारा जो आपने देखा बुल मदर फॉर्म है जो भोपाल, इसमें थोड़ी सी कमी मैं ये मानता हूँ कि इसमें प्रचार प्रसार की बहुत कमी है, जो हमको अभी आगे करना पड़ेगी, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। क्या होता है लोग मतलब जिसको कहते हैं ना इंटरेस्ट नहीं लेते। अब कोई आए AI कर जाए चला जाए 100 ले ले, लेकिन खुद कभी प्रयास नहीं करता कि भैया हमारी गाय हीट पे आ गई तो हम इसको बुलाएं, उसको FEFA को बोलें कि हमारी गाय हीट पे है, इसको क्रैश करो, इसको AI करो। ऐसा कम होता है। जब तक हम ये बात सबको समझाएंगे नहीं, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, काम वो होता है आप क्या कैसे कर रहे हो उसके ऊपर उसका आकलन होता है। बिल्कुल, मैं विभाग गया तो वहाँ मुझे बताया गया ब्राज़ील से सीमन आया हुआ है। हम लोगों ने बात की, बुला रहे उसको, देंगे किसानों को, करेंगे अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं। और इसमें और काम करने की सच में आवश्यकता है भी। जिस दिन ये हम इसको बहुत अच्छे तक नीचे तक ले जाएंगे, आप ये मान लीजिए कि अपने आप नहीं छोड़ेगा कोई गाय को, क्यों छोड़ेगा? जिसकी 20 लीटर 25 लीटर की गाय है वो सड़क पर क्यों छोड़ेगा? वो तो इसलिए छोड़ देगा, 2 लीटर 1.5 लीटर की आधा लीटर की गाय है, लगाया और छोड़ चारा महंगा पड़ रहा है, चारा महंगा पड़ रहा है। अगर 20 लीटर 30 लीटर की गाय होगी तो क्यों छोड़ेगा आदमी? उसमें ना चारा महंगा है ना उसको रखना महंगा है, क्योंकि उसको जितनी अच्छी हेल्थ रखेगा उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा। ये तो आपके विभाग की बात होगी, राजनीति की बात भी जरूरी है जी। 20 साल से ज्यादा आपने बैंक की नौकरी की, फिर एकदम राजनीति, दूसरी बार में आप मंत्री। देखिए अभी ये तो डेस्टिनी है और इस फील्ड में अब कई कुछ चुनाव तो हमको करना पड़ते हैं ना। नहीं नहीं देखिए वैसे तो मैं शुरू से राजनीति कर रहा, मैं जब कॉलेज में पढ़ता 77 में तब भी मैं पॉलिटिक्स करता था और उस समय भी मैं जनता पार्टी की उसका काम करता था। और उसके बाद बैंक में भी आ गया तो मलैया जी मेरे मित्र के साथ साथ बड़े भाई वाला व्यवहार उनका मेरे साथ हमेशा रहा। मैं बैंक में था तो भी मेरा मिलना जुलना उनसे बराबर रहता था और उनके साथ उनका कोई, अब चूंकि बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है और मैं जिस जगह था एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर मतलब ग्रामीण, तो ग्रामीण में सारे के सारे लोगों से काम होता, हर आदमी को काम है, किसी को ट्रैक्टर चाहिए, किसी को गाय चाहिए, किसी को बछड़ा चाहिए, किसी को बिना बैंक के कुछ हो नहीं सकता खोदना, किसी को स्प्रिंकलर चाहिए, किसी को थ्रेसर चाहिए, और जो भी चाहिए वो बैंक से ही आना चाहिए और कृषि विकास शाखा से ही होना। तो सारे लोग आते रहते थे, संपर्क भी बढ़ता गया, अपन सकारात्मक सोच के साथ उनके साथ काम करते थे, मिलते रहते थे, उनकी मदद करते। और माननीय मलैया जी भी मुझे दिन में ऐसा समय तो होता था कि एक दो फोन ना आए तो ऐसा होता ही नहीं था, यार भेज रहा हूँ इसको जरा इसका देख लेना, मदद कर देना, देख लेना इसकी मदद कर। तो अब चूंकि वो मेरे हमेशा से आदर्श रहे हैं और कोशिश हम लोग ये करते हैं जो भी मेरे पास आए उसका काम हो जाए, संतुष्ट होके जाए। तो वो एक ऐसा धीरे धीरे बनता गया और आगे नाम भी बढ़ता गया, होता गया। फिर एक समय ऐसा आएगा, सोचा गया अब चलो, हालांकि मैं तो आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ मलैया जी का, मुझे तो बहुत पहले उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ लो, बहुत पहले, जब भी तो बहुत लेट लड़ा मैं चुनाव, और उस समय मुझे पार्टी मना रही थी कि लड़ लो, लेकिन मैं मना कर रहा था मैं नहीं, मुझे नहीं लड़ना। तो जब समय आता है होता तभी। आपने जिनको हराया रामबाई, वो दूसरे कारणों से चर्चा में रहती थी, आप दूसरे कारणों से? देखिए तो आदमी का स्वभाव है, स्वभाव होता है आदमी का, कैसा स्वभाव है वो उसी तरीके स्वभाव के अनुसार काम करता है और उसी हिसाब से उनका आकलन होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दावा करती थी कि उनकी 15 महीने की सरकार में उन्होंने कई सारी गौशालाएं खोली पूरे मध्य प्रदेश में, और बीजेपी को आरोप लगाते थे कि बीजेपी के राज में गायों की दुर्दशा हो रही है,
तो पॉलिटिकल एंगल से इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि और वाकई में आप इस विभाग के मंत्री हैं, तो क्या जो कांग्रेस दावा करती थी गौशालाओं का वो कागजों पर है नहीं, या वास्तव में कहीं है? आधी अधूरी बहुत ज्यादा है, कंप्लीट बहुत कम हुई थी, बनाना शुरू किया था लेकिन आधी अधूरी, अभी हजारों गौशालाएं हैं जो आधी अधूरी, अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो आधी अधूरी गौशालाएं उनको पूरा किया जाए, और जहां पर कुछ जैसे उनकी क्षमता 100-125 गाय से ज़्यादा की नहीं थी, अगर उस ऐसी जगह, कई जगह बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, और अब तो मैं आपको बताऊँ कि जब से हमने 40 किया है तब से ऐसा दिन बकाया नहीं जाता जिस दिन मेरे पास कोई इंक्वायरी ना आए कि भैया मुझे गौशाला खोलना है। दो चीज़ें उसके पीछे, एक तो ये है कि उसका भाव भी होगा, लेकिन वो पैसे के अभाव में उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब चूंकि 40 रुपये है तो मैं भी समझता और वो भी समझते होंगे कि अब ये खर्चा इसका चल सकता है, जिससे हमारा सेवा का काम भी हो जाएगा और गौ माता का मतलब भोजन पानी भी चल जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली बीजेपी को विधानसभा में, लोकसभा में बम्पर जीत, पूरे देश में नजीर दी जा रही है, तो अब ऐसे में चुनौती कितनी बड़ी हो गई कामकाज को लेकर, सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर भी, और जनता की जो उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये तो होता ही है, जितना ज़्यादा आपको समर्थन मिलेगा उतनी जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाएगी, अब आप किसी को मना नहीं कर सकते किसी चीज़ के, लेकिन हिसाब ये नहीं हो सकता, इसलिए कि आपको विधानसभा में भी भरपूर 163 सीटें जिता के भेज दिया, और 4-3 कांग्रेस के लोग भी आ गए, तो अब तो 166 की गिनती मान लें हम, और लोकसभा में तो अब कोई बात ही नहीं, 29-29 जो रिकॉर्ड आज तक कभी मध्य प्रदेश में नहीं था, हम 77 में भी 39 जीते थे 40 में से, बिल्कुल एक हार गए थे हम सिवनी, आदरणीय गार्गी शंकर मिश्र जी जीते थे वहाँ से, मुझे इसलिए याद है कि उनकी उनके उनकी बेटी की शादी हमारे दमोह में हुई, गुरु जी के समधी थे वो, तो उस समय भी रिकॉर्ड बना, लेकिन आज आपने देखा 29-29 जीत गए, जिसको कांग्रेस अपराजेय सीट मानती थी, पिछली बार सिंधिया जी का गढ़ तोड़ा था, इस बार कमलनाथ जी गढ़ टूट गया, गढ़ टूटने के बाद सिंधिया जी आ गए थे, ऐसा कुछ कमलनाथ या नकुलनाथ को लेकर प्लानिंग है क्या? नहीं होगा, क्या क्या हो रहा था बीच में, अब वो तो खैर बड़े लोगों का मामला है, सिंधिया जी तो हमारे नेता हैं और उनका बड़ा मैं सम्मान के साथ साथ उनसे बड़ा लगाव भी है। एक पूरा परसेप्शन कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी बना रही थी, संविधान खतरे में, आज भी उसी बात को उठाया जा रहा है, इसका कुछ असर मध्य प्रदेश में देखा? और जो जातिगत जनगणना की लेकर बात चली थी, क्योंकि जिन लोगों ने उठाई थी वो NDA सरकार में आ गए हैं, मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है या मंत्रिमंडल में इसको लेकर कभी चर्चा होती है, औपचारिक अनौपचारिक? नहीं, इसमें चर्चा की आवश्यकता इसलिए नहीं कि जो ये अपना जनगणना का सवाल है, तो जनगणना कुछ पार्टियां उठाती आई हैं, देखिए अब विभक्त कैसे कर सकते लोग, एक तरफ तो हम कह रहे साहब कि जाति लिखना बंद कर दो, दूसरी तरफ हम कह रहे कि साहब जनगणना में जाति लिखो, तो ये मुझे लगता कंट्राडिक्टरी है। हम कई आपने कई बार सुना होगा भाई जाति लिखना कौन सा जरूरी है, भाई हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम इंसान हैं, हम किसी भी घर में पैदा हुए हैं, किसी भी समाज में हैं, लेकिन तो क्या है, दिक्कत ये है ना कि जब सरकारी नौकरी से लेके जहां आपको जाना है उसमें आपको मेंशन करनी है जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको, कुछ चीजें ऐसी वो इतनी पुरानी चली बात चली आ रही है, वो इतनी पुरानी बात चली आ रही है कि आज उसको पॉलिटिकल बिल जो होनी चाहिए, जो लोगों ने बहुत पहले कहा था साहब 10 साल को आरक्षण कर दीजिए, अभी तक चल रहा है, कितने साल हो गए, 70 साल हो गए, तो अब जो बदलाव आ रहे हैं उनको सोचना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, और उनको कभी तो ऐसा समय आएगा कि उनको कुछ कड़क फैसले लेना पड़ेंगे, और हर बार हर चीज़ को मेरे हिसाब से अगर हम वोट से ही जोड़ेंगे तो हम देश में काम कब करेंगे, प्रदेश में। लेकिन संकट तो वही आ जाता है ना, घूम फिर की हर चीज़ घूम कर वहाँ आ जाती है, आप चाहे आपकी मजबूरी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री भी फ्रीज की बात करते हैं लेकिन घूम फिर के हम देखते हैं कि दूसरा दल एक बड़ी सौगात की बात करने लगता है वो चुनाव जीत जाता है, तो एक आपको नहीं लग रहा कि ये जो घूम फिर के सारी चीज़ें आ गई कि कैसे ना कैसे जीत हासिल कर ली जाए फिर बाद में देखेंगे? कर्नाटक में देखिए आप, वो बहुत सारी स्कीम की बात करते हैं, वो पेट्रोल डीजल पर फिर वो टैक्स बढ़ा देते हैं, आप देखिए, और मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी योजना है, सरकार ने कहा है कि हम टैक्स ज़्यादा कलेक्शन तो कर नहीं सकते क्योंकि आप बढ़ा नहीं रहे हो, लेकिन आप कर्ज ज़्यादा लेने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ी कोई देखिए, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं, आज तक जितने भी देश में या विदेशों में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, उस सारे के सारे कर्ज लेके ही करते हैं, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं, कर्ज लेके घी पीना बुरी बात है, कर्ज लेके मैदान में काम करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिना उसके हम काम भी नहीं चला सकते। देखिए सरकार के जहाँ तक साधन रहते हैं सीधे सीमित साधन होते हैं, आय के भी सीमित साधन होते हैं, फिक्स है कि इससे इतना पैसा आएगा, इससे इतना पैसा आएगा,
आप मतलब मैं आपको बताऊं कि कितने हजार करोड़ लाख करोड़ का बजट हो गया हमारा, इस बार और बढ़ेगा, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया पिछली बार, पिछली बार अब तो और ज्यादा हो जाएगा। मुझे याद है पहले 90 लाख करोड़ ऐसा कुछ, ऐसा कुछ दिग्विजय सिंह शासन में 25,000 करोड़ का होता था, फिर 35,000 करोड़ का हुआ, अब आज देख लीजिए कितने लाख करोड़ में पहुंच गया। तो ये तो होता रहेगा, परंतु हम उस पैसे का कैसा उपयोग कर रहे हैं? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रहे हैं, हम विकास में खर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के कल्याण में खर्चा कर रहे हैं, जन कल्याण में खर्च रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। आपके माध्यम से भी जनता से भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में और इस देश में इन 75 से 76 सालों में अगर हम हिसाब लगाएं तो 20 साल 22 साल छोड़ दें अगर हम मध्य प्रदेश के, तो बाकी 50 साल तो कांग्रेस अगर देश की हम बात करें तो 15 साल 18 साल छोड़ दें तो बाकी 55 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपके माध्यम से पूछा, एक भी जन कल्याण जिसको कहते हैं, जनता का कल्याण करने वाली बात उन्हें अगर कोई कही हो या कभी धरातल पर लाए हो तो वो बताएं। हमने तो इतने बड़े बड़े काम किए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। कई बार लोगों तक ये बात नहीं पहुँचती, मुख्यमंत्री मेघावी छात्र योजना जो हमारी है उसको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। उससे आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में, मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाके इंटरव्यू लीजिए किसी का, आप उससे पूछिए कि सर आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और कितने मेघावी छात्र से पढ़ रहे हैं, मेघावी विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, आपको मालूम चलेगा कि सरकार कितने हजार करोड़ रुपया इस पर खर्चा कर रही है। क्यों कर रही है? हमको डॉक्टर चाहिए, हमको बेहतर इलाज मिले, बेहतर हमारे। लेकिन ये जो पेपर लीक वाले जैसे मामले आ जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की साख को तो जब्बा लगता है। बिल्कुल लगता है, मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने देखा ना, तुरंत CBI को जांच दे दी, आप देखना क्या क्या हाल होता है जिनने करा होगा, कोई बचेगा नहीं इसमें से, और इसको सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। देखिए उस जगह अगर जाके अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत बड़ा लैकुना है, और इसको मुझे लगता है कि इसको जितनी गंभीरता से सरकार लेना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा काम ना कर सके। दस बार सोचे। आप जिस जिले से आते हैं और जो विधानसभा क्षेत्र है वो विकास के कई मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या शुरू हो रहा है? आपके पास करेक्ट जानकारी नहीं है, इसीलिए तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप बताएं। करेक्ट जानकारी नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरी विधानसभा 2 ब्लॉक में विभक्त है, बटियागढ़ और पथरिया। सौभाग्य से मेरे विधानसभा में 5 नदियां हैं और उन 5 नदियों में 4 नदियों पर हमने डैम बनाए हुए सिंचाई के, जिससे 1,75,000 एकड़ की सिंचाई होगी, और ये सारे मेरे कार्यकाल के हैं। और आज वो इस स्थिति में है 2013 हाँ 13 से 18 वो आज वो इस स्थिति में है कि खेतों पर पानी पहुंचने के लिए खड़ा है। हो सकता है इस साल हम 10-20 हजार एकड़ में पानी दें, क्योंकि थोड़ा सा बीच में जो समय आया पिछली बार का जो समय था वो मुझे लगता है कि ऐसा समय था कि लोगों की जान बचाना ज़रूरी था, बाकी चीज़ों की ज़रूरत कम थी, कोरोना था, फिर 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस तो आप जानते हो किस तरीके से काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक बल्लभगढ़ में भीड़, और लोगों का जो काम करने का ढंग है उनका अलग है, और बाकी कोरोना, और फिर ये सारी चीज़ में पिछला कार्यकाल निकल गया तो बहुत सारे काम नहीं हो पाए। लेकिन मेरे विधानसभा में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर डामलीकृत सड़क नहीं है, एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर कि कोई ऐसी सुविधा ना हो, स्कूल भी। मैं आपको बताऊँ, दमोह जिले में जी कांग्रेस और अंग्रेजों ने मिला करके 2003 के पहले 28 हाई स्कूल थे, 28, आज 128। हमने 20 साल में 100 खोले, अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने 55 साल में मिलाकर 28 खोले। हायर सेकेंडरी स्कूल हम उस समय 12 थे, जो टेनियर की बात करो 12, आज 40 है। हमने 28 हायर सेकेंडरी स्कूल नए खोले, और सिर्फ स्कूल नहीं खोले, हमने बिल्डिंग भी दी, हमने शिक्षक भी दिए। स्कूल स्वीकृत करते समय ही हमने ये सारी चीज़ें की कि स्कूल की बिल्डिंग भी स्वीकृत करी और शिक्षक भी स्वीकृत किए कि इसके लिए इतने शिक्षकों की ज़रूरत होगी। हमने जो हमारा प्लान से काम जो हो रहा है वो मतलब बहुत नीचे तक जा, और आपको बताओ इसके विकास और निर्माण के साथ साथ जन कल्याण भी बराबर भारतीय जनता पार्टी ने सब किया है। बहुत धन्यवाद लखन जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लखन पटेल जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र के साथ साथ
जो विभाग की योजना है, गाय को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है भविष्य में, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की। अगली बार मिलेंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।